सर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे एम एस जे एन नी टारगेट। आइए आज के हम लोग का टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड डू ट्रूथ वर्ड एंड जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी उसको भी ट्रिक डाल दिए हैं, तो उसको देख लीजिएगा। लो आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया थे कि हम लोग जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला और जनरल मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, उस पर कॉम्पिटेटिव लगा क्वेश्चन भी रहते हैं। आज का अपन का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर एंड कॉमन नेम। सबसे पहले हमसे पूछा है सर नोमेनक्लेचर होता क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले नोमेनक्लेचर के बारे में देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग जानते हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक के बारे में। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमसे सबसे पहले पूछा जाएगा सर नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो क्या बात ये जी, तो जैसे हम ही लोग जानते हैं कि जब छोटा घर में बच्चा होता है तो उसका नेमिंग किया ही जाता है। तो अब नेमिंग करने का रूले क्या होता है, एक तो देखते हैं बैंड बजा पार्टी के साथ नेमिंग किया जाता है, ये पंडित जाते हैं कुंडली मिलाते हैं मिठाइयाँ बटता है तो फिर नेम लगा रखाता है, और एक क्या होता है उस लड़का के नेचर के बिहेवियर के आधार पर नेम उसका कर देता है। बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग कैसे किया जाता है जी, मान लीजिए लड़का अधिक बोलता है उसको बोलतू कह जाता है, चंचल कह जाता है, जो लड़का नहीं जीता है उसको क्या कह जाता है, मंगरू झगड़ू ऐसे कुछ नाम रख दिया जाता है। मीन्स हम लोग नेमिंग टू टाइप्स का करते हैं, एक तो उसका बिहेवियर के अकॉर्डिंग और एक उसके नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब रूल के अकॉर्डिंग। पंडित जाएंगे बैंड बजा बजेगा उसका कुंडली मिलाया जाएगा कि किस कुंडली में जन्म हुआ है, उसके बाद उसका नेमिंग होता है। यह पुराने जमाने में ज़्यादातर चलता था, अभी तो मॉडर्न डे आ गया है जिसका नेमिंग करना है वो दिन मूवी देख लीजिए, लड़के आए तो हीरोइन का नाम, लड़का आए तो हीरो का नाम, ऐसे ही नेमिंग कर दिया रहा है। हेलो तो जो चिंटू पिंटू नाम हो गया। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स क्या होता है जी, नामकरण, ठीक है, नामकरण ऑफ कार्बनिक यौगिक का नामकरण, ऐसे आप हिंदी लिख सकते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, ठीक है ना। तो हम लोग का अभी नामकरण क्या होता है जिस समझ में आ गया आपको कि नाम देने का जो पद्धति होता है उसी को नामकरण कहते हैं। रूल टू नेमिंग ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। इसमें नाम लिखने के लिए बैंड बजा पार्टी के साथ ना आप नाम लिखिए या फिर चिंकू पिंटू लिख दीजिए, वह उसका क्या कहलाएगा, नोमेनक्लेचर कहलाएगा। तो हम लोग आखिर नेमिंग करते कैसे हैं, कंपाउंड है तो इसका नेमिंग भी होकर करेगा, तो किसके अकॉर्डिंग नेमिंग करते हैं लो, तो उसी को आज हम लोग का सीखना है। तो इसके नेमिंग करने का दो अकॉर्डिंग बनाया गया, दो रूले बनाए गए हैं। एक तो आपको पहले ही बताया कि रूल बैंड बड़ा पार्टी का आएगा, यानी कि एक को हम लोग कहेंगे लो IUPAC नेम, एक क्या होगा जी IUPAC नोमेनक्लेचर और एक क्या होगा कॉमन नेम। आप जानते हैं कॉमन मीन्स क्या होता है, सिंपल सी बात है कॉमन मीन्स कॉमन होता है, और IUPAC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मीन्स वो ऐसा केमिस्ट्री का नेम जो पूरा वर्ल्ड वाइड चलता हो। हम लोग जिस नाम से जानेंगे लोग, अमेरिका वाला भी उसी नाम से जानेंगे लोग, जापान वाला भी उसी नाम से जानेंगे लोग, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC नोमेनक्लेचर। और कॉमन नेम क्या हो गया, जानते हैं कॉमन नेम से मंगरू झगड़ू कहाँ तक चलता है, अपने घर में ही सीमित रहता है या फिर अधिक से अधिक गांव तक जाता है, इंटरनेशनल में तो फैलता नहीं है, क्योंकि जब लड़का छोटा होता है तो वह नाम अधिक दिन तक चलता है, जैसे वह लड़का बड़ा होता है वह नाम धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। तो इसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी टू टाइप से नेमिंग किया जाएगा, एक तो IUPAC नेम होगा और एक उसका कॉमन नेम होगा। तो जो कॉमन नेम होगा ये तो जानते हैं कि उस लड़का का बिहेवियर पर डिपेंड करेगा, और बिहेवियर मतलब यह केस पर डिपेंड करता है, चार चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, उसका सोर्स क्या है मीन्स उस लड़का का मतलब नेचर क्या है, कैसे वो प्राप्त हुआ है। जानते हैं लोग जो लड़का तीन बहन के बांध होता है उसको लोग ऐसे शौक से तेतर कर देते हैं, तो ऐसे उसका सोर्स क्या है उसके अकॉर्डिंग होगा, उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से लिया गया है, सिंथेसिस कैसे किया गया है, ड्राइव कहाँ से हुआ है, ड्राइव मतलब हम लोग मम्मी पास से ड्राइव हुए हैं उसी तरह से वह कहाँ से ड्राइव हुआ है। जैसे मैलिक एसिड नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि मैलिक एसिड एप्पल में मिलता है, और जेलिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं लोग, वह गोवा में मिलता है,
लैक्टिक एसिड मिलके मिलता है, तो वो सब कहां से नाम रखा गया, उसका ओरिजिन से नाम रख दिया गया। लेकिन मिथाइल क्लोराइड किया गया, तो इसका नाम मिथाइल क्लोराइड क्यों पड़ा, क्योंकि वह मीथेन से ड्राइव किया गया, मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो उसमें क्लोरीन जोड़ा गया, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह से हम लोग इसका कॉमन नेम दिया जाएगा, उसका ओरिजिन होगा, सिंथेसिस होगा, उसका नेचर होगा, बिहेवियर होगा, या फिर उसको ड्राइव किया गया, कहां से उसको प्रिपेयर किया गया है। जबकि आईपीएससी नेम के लिए क्या होगा, बैंड बाटा पार्टी आएगा प्लस पंडित जी भी आएंगे, तो इसमें पंडित जी जजमान सब लोग जुटेगा, मिठाइयां बटेगी, दिया किस पर डिपेंड करेगा, तो आपको समझ में आएंगे ये रूल। पंडित जी अपना पोथी पत्र निकालेंगे, कुंडली मिलाएंगे, मीन्स रूल को लगाएंगे। तो यह जो हमारा नेमिंग हुआ किस पर डिपेंड करेगा, रूल पर डिपेंड करेगा। जबकि यह जो नेमिंग हुआ किस पर डिपेंड करेगा, उसके सिंथेसिस ओरिजिन प्लस डेराइव कहां से किया गया उस पर डिपेंड करेगा। अब देखिए इस तरह से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करेंगे लोग। तो अभी आज के हम लोग क्लास में कुछ सबका कॉमन नेम तो नहीं पढ़ेंगे लोग, कुछ का आज हम लोग कॉमन नेम पढ़ा जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आईपीएससी नेम स्टार्ट किया गया। सर कुछ ही क्यों कॉमन नेम पढ़ाएगा, बाकी सब क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, तो बाकी सब कॉमन नेम जानते हैं। कॉमन नेम को आपको ज्यादातर बता देंगे इसमें क्या करना है, याद हम लोग करना है। तो आपको रूल बताया था कि आईपीएससी नेम के लिए इसको लिखने के लिए रूल सिखा जाएगा, और जो कॉमन नेम है इसको याद करने का ट्रिक देखा जाएगा। आप उनका जहर ट्रिक है, जादुई ट्रिक है, आप देखिएगा। आपसे वादा है कि ओनली फॉर 30 मिनट में पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आयु कॉमन नेम आपको याद करा देंगे। लेकिन अभी हम लोग जो कॉमन नेम पढ़ेंगे लोग, वैसा कॉमन नेम पढ़ेंगे लोग जो एल्केन एल्किन एल्किन पर डिपेंड करता है, और वह ज्यादातर आईपीएससी नेम में यूज होता है, केवल उसको अभी बताएंगे। जो कॉमन नेम डायरेक्टली याद करना है, जो ट्रिक पे बेस्ड है, उसको अभी नहीं, बाद में पढ़ा जाएगा, सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आइए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग कॉमन नेम। यदि इन सभी टॉपिक को आपको अच्छा से इजिली स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी तक जो हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर पूरा जानते हैं लाइव क्लास से चलाया जा रहा है। लाइव क्लास का सेशन आज मान लिया है, तो इसमें हम लोग जे नाम से आपको स्पष्ट हो गया, जेई नीट एंड टारगेट, मींस जेई और नीट का हमारा मेन टारगेट है, साथ साथ बोर्ड एग्जाम का भी टारगेट है, 11th एंड 12th भी मिलेगा। तो देरी न कीजिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। चलिए हम लोग का हेडिंग क्या है, कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फटाफट नोट कर लीजिए। तो हेडिंग आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है ना। अब जी आपको क्या करना है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब कॉमन नेम लिखना होगा तो हम लोग सिंपल से एकदम बेसिकली स्टार्ट कीजिएगा, शुरू से स्टार्ट करते हैं लोग। तो आइए हमारे साथ साथ देखते हैं, जानते हैं कॉमन नेम को। पहले ही बता दें कि इसको हम लोग लिखने के लिए सीखना नहीं है, इसको याद करने की कोशिश करना है। तो याद कैसे करना है उसको आपको बता रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने वर्ड रूट बता दिया था, तो वर्ड रूट का यहाँ हेल्प आएगा। तीन चीज आपको और बता देते हैं जिसमें यहां क्या आएगा, हम लोग जानते हैं, आपको बताए थे कि अल्केन अल्किन एंड एक क्या होता है अल्काइन। तो यह तीन वो सब फेमस तो है ही, क्योंकि इस समय जान पहचानी पहले हो चुकी है। तो ये तीनों चीजें क्या होता है, इसे क्या करेंगे लो, तो आपको बताया तो थे वहां कि अल्केन कब कहते हैं जी, जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्किन जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बन होता है, और अल्काइन जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बन होता है। आई होप यहाँ तक आपको तो क्लियर होगा। और हम लोग आगे क्या करना है इसको आपको देखना है, यानी अल्केन से हमें क्या करना है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है, हटा देना है। तो उसके स्थान पर सिंपल से देखिए हम लोग क्या करते हैं, दुकानदार को जब पैसा देते हैं तो उससे कुछ हम लोग सामान भी लेते हैं लोग। तो उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि हम लोग यहाँ से अल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो जब वह अपना मान लिए पैसा दे रहा है तो दुकानदार से सामान भी तो लेगा ना, सब कीपर उसको कुछ ना कुछ तो देगा। तो उसी तरह से यहाँ क्या देगा उसको हम लोग कैसे फिलिंग किया जाएगा। तो आपको याद रहना है कि हम लोग जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा
तो उसके स्थान पे जो आता है एक हाइड्रोजन के लिए उसको हम लोग क्या कहेंगे लोग OIL। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा तो उसके स्थान में क्या करना है एक YL को लेके आ जाना है। वह क्या करेगा सब मान लिया ऐसे आपको फीलिंग करना है केमिस्ट्री के भी से नहीं देखना है ऐसे सोचिए कि हम लोग केमिस्ट्री के अनुसार यदि किसी को एक हाइड्रोजन देते हैं तो हमें सब की पर उधर से क्या लौटाएगा YL लौटाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग हाथ अपने खाली इसके नाम में YL लगा देना है तो इसमें से कुछ हटाएंगे तभी YL लगा सकते हैं। ये तो फार्मूला से H को हटाए हैं तो याद रहेंगे जब अल्केन होगा सभी जगह से वही काम करना है यहाँ क्या जोड़ देंगे लोग YL और यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा जी YL आ जाएगा। तो आपको पूछा है कि यहाँ से हम लोग हटाएंगे क्या तो आप याद रखिए यहाँ से हम लोग ANE को हटा देते हैं और इसके स्थान में क्या आ जाएगा YL आ जाएगा जबकि यहाँ से हम लोग केवल क्या हटाते हैं लोग E को हटाते हैं और यहाँ क्या आ जाएगा अल्किन और फिर YL हो जाएगा और यहां से क्या हटाएंगे लो यहां से भी E को हटा देंगे और यहां क्या जाएगा अल्क्विन। अब यहां आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो गजब का ट्रिक हो गया कि यहां से आपने ए एन ई को हटाया यहां दोनों जगह से केवल E को हटाए ऐसा क्यों किया है यही आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो सपोर्टेड मान लीजिएगा हमको यह सब रूल नहीं पता है कि यह सब क्या होता है इसको अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसके नाम में रियल में होता क्या है। लेकिन सपोज इट आपको यह सब नहीं पता है हम रूले याद करना नहीं चाहते क्योंकि यार कितना रूल याद किया रूल याद करते करते थक जाएंगे लोग। तो मान लिया जाए कि हमें रूल याद करना नहीं चाहते हमें रूले पसंद नहीं है तो आपके लिए हम एक स्पेशल सा रूल बता दें जो सबके लिए फॉलो करेगा अलग अलग से याद नहीं करना होगा। एक एल्केन को उस रूल के अकॉर्डिंग एक्सेप्शन मानना है। मान लीजिए कि एक एल्केन क्या हो गया एक एक्सेप्शन हो गया ठीक है ना। अब आपको करना क्या है ध्यान से समझिएगा रूल हम लोगों को क्या कहता है रूल हम लोगों का यह कहता है कि जब भी हम लोग किसी का आईपीसी नेम लिखना है ठीक है ना तो उसके लिए आपको क्या करना है जी जब भी लास्ट में हम लोग हटाएंगे लोग किसी का मान लिया कुछ हटा रहे हैं तो उसके साथ कुछ जुड़ने आएगा ना तो पहला वाला पहले के लास्ट में भावेल हो और भावेल में कौन कौन आता है ए आई ओ यू। आपको क्या समझ में आया जी कि पहले के लास्ट में कोई भावेल हो और जो जुड़ने आ रहा है उसके क्या होगा उसके पहले भावेल हो भायल क्या हो सकता है ए ई आई ओ यू और प्लस क्या होगा वाई। तो पहले वाला को भायल को हटा देना है यह पूरा केमिस्ट्री में पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में यह रूल फॉलो करेगा यह जो रूल आपका है यह कहीं फेल नहीं करता है। तो आपको यह सब कहां से क्या हटाना है इस सब को माइंड में मान लेना है कि हटाया हमको नहीं पता है जो रियल उसका नाम होता है वह नाम लिख लीजिएगा और जब देखिएगा वहां से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया होगा तो आपको क्या कर देना है कि वहां से हम लोग पहले वाले के लास्ट में यदि कोई भावेल होगा तो उसको और दूसरे वाले के जो जुड़ने आ रहा होगा उसके पहले भावेल और साथ में एक वाई रहता है भॉयल प्लस वाई होगा तो लास्ट वाला को भॉयल जो होता है उसको हटा देंगे लो उसके स्थान पर ला के हम लोग जोड़ देंगे लो। आइए इस रूल को यहाँ हम लोग अप्लाई करके देखते हैं लो फिर आपको समझा रहे हैं जी। इसका रियल नाम क्या था जी अल्किन इस साइड लिख देते हैं इसका रियल नाम देखिए क्या था अल्किन इसमें जोड़ने के लिए क्या ला रहे थे लो OIL। तो अब देखिए यहाँ आपको क्या यहाँ लास्ट में आपको क्या मिल रहा है यानी कि पहले वाले के लास्ट में भॉयल है। अब यहाँ कुछ लोग इंग्लिश मीडियम वाला होंगे लोग कहेंगे सर हिंदी में रूल लिख दिया है यार याद है ना हम लोग साइंस पढ़ते हैं साइंस का कोई लैंग्वेज नहीं होता है आप हिंदी में आसानी से याद कीजिए इंग्लिश में कीजिए उससे कोई मत नहीं है और हिंदी तुम्हारे मदर लैंग्वेज है तो इसीलिए आपको ऐसे शॉर्टकट में लिख दिए कि आसानी से आप याद कर सके। तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ लास्ट वाला में भॉयल तो आ रहा है ध्यान से देखिए तो यहाँ पहले वाला हो गया पहले के लास्ट में क्या आ रहा है भॉयल आ रहा है
उसके बाद जो जुड़ने आ रहा है उसके पहले क्या रहा है वाई एल यानी कि वाई आ रहा है, तो किसको हटाना है पहले वाले को हटा देना है। अरे पहले वाले कौन हटा देंगे लोग, ई को हटा देंगे लोग। अब ई को जैसे ही हटाएंगे तो ये बनेगा क्या, ऑल तीन इसके स्थान में क्या देगा वाई एल। आई होप यहाँ क्लियर हो गया कि यह बन जाएगा। उस तरह से यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ ई है यहाँ वाई जुड़ेगा तो यह बन जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको डाउट्स नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है, अच्छा से समझ में भी आ गया है। तो ये आपको यह रूल याद रखना है कि पहले वाले के लास्ट में भगा लो, दूसरे वाले के पहले भगा लो। तो हम लोग क्या करेंगे लोग, पहले वाले के लास्ट वाले भगल को हटा देना है। यह रूल सर कहाँ अप्लाई होगा, यह रूल पूरे केमिस्ट्री में अप्लाई होगा, कहीं इसमें एक्सेप्शन नहीं है। बस एक्सेप्शन कहाँ है, एक एल्केन वाला, कि एल्केन से हम लोग जब भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो वहाँ से ए एन ई को हटा देते हैं लोग। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। आइए एक बार हम लोग इसको दे तो नाम ही आप लोग सभी लोग याद करेंगे लोग कि एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो एल्किनाइल ग्रुप कहते हैं। लेकिन अपन के जो स्पेशल पढ़ाने का टेक्निक है उसका तो कुछ नाम अलग होता है। ऐसे हम लोग मान ली याद कर लेने से क्या फायदा है, इसको समझ के याद करते हैं। देखिए ऑल्क मतलब क्या बताएगा, उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है। ऑल्क हमें क्या बताएगा जी, उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। और यहाँ देखिए ई एन क्या बताएगा कि डबल बन का है कि ट्रिपल बन है, यानी कि आपको पता है कि ई एन कब लगाता है, जब डबल बन लगता है। और वाई एल क्या बता रहा है, उससे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। तो आप अच्छे से पढ़िएगा तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसी तरह से एक्सप्लेन करके उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ऑल्क मीन्स कितना कार्बन है, जैसे मेथ हेड प्रोब बीट ऐसे लिखते हैं लोग। और ई एन मीन्स क्या बता रहा है, उसमें एक कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। और वाई एल क्या बता रहा है, कुछ कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। जहाँ डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि सर यहाँ डाउट्स है, उसका टॉपिक का नाम लिख के भेजिएगा लो कि मान लिया हम कहाँ कहाँ से चेक करेंगे। इसीलिए सपोर्टेड आपको टॉपिक का नाम लिखना, सर इस टॉपिक में कन्फ्यूजन है, संडे टू संडे डाउट्स क्लास चला जाता है, उसमें आपको फिर से रिकॉल करा दिया जाएगा। यहाँ नहीं, इसमें आपको यदि डाउट्स होगा तो इसमें अल्क मतलब क्या बताएगा, उसमें कितना कार्बन है। अब ये तो यहाँ क्या लिखे हैं वाई एन, तो वाई एन क्या बता रहा है, उस कंपाउंड में ट्रिपल वन है। और वाई एल क्या बता रहा है, उस कंपाउंड से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है, डाउट तो नहीं है किसी को। अरे ऐसे हम लोग इसके नाम से हम लोग पता कर सकते हैं कि बेचारा इसका ओरिजिन क्या था। और आप लोग जैसे याद किए चलो एल्किन से हाइड्रोजन एल्किनाइल ग्रुप और एल्काइन से हाइड्रोजन अल्कोइनाइल ग्रुप, यार ऐसे याद करने से कोई फायदा नहीं है। बस हम लोग अभी देखिए इसको लिखेंगे लोग, बहुत मजा आएगा। अब ये यहाँ के सर इसमें हमें कहाँ पता चल रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, इसमें तो कहीं ए नहीं है ही नहीं। तो अब आपको ऐसे बता दें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या कोई भी कंपाउंड हो तो उसमें बिना बॉन्ड के तो वो बनेगा नहीं। तो जब डबल और ट्रिपल हम लोग नहीं लिखे, जिसमें मानते हैं ना, जिसमें हम कहीं भी लिख देते हैं सपोज़ सी एच फोर हो गया, तो इसमें पूछा जाएगा बताइए भाई कार्बन कितना आ जाएगा, सर इसमें कार्बन है ही नहीं क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा है। तो कुछ नहीं लिखा है तो कितना मानते हैं वन, यानी कि अपने से कुछ तो मान लिया जाता है कि यहाँ होगा। तो उसी तरह से हम जानते हैं कि जब भी ग्रुप बन गया यानी कि मोलेकुल्स बन गया तो उसके बीच में बॉन्ड तो बना ही होगा। अब देखिए तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल। जब डबल और ट्रिपल को डिनोट किया जाता है, सिंगल को नहीं किया जाता है। तो सिंपल से जब बॉन्ड का डिनोट नहीं किया गया होगा तो सिंपल सिंगल बॉन्ड होगा, डिनोट किया गया होगा तो डबल और ट्रिपल बन सकता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो आइए हम लोग सीखते हैं लोग नाम लिखने के लिए कैसे नाम को लिखना है। तो आपको ऐसे बताते याद होना चाहिए कि सिंगल बन होगा तो उसके लिए हम लोग ए नहीं लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वाई ए लिख देंगे लोग। डबल बन होगा तो पहले ई एन फिर वाई ए लिखाएगा, और ट्रिपल बन होगा तो वाई एन फिर वाई एल। बस वह रूल आपको याद करना है। डेफॉल्ट स्क्रीन शॉट जो भी नहीं लिए ले लीजिएगा लोग, इसको मिटा दें। आइए अब हम लोग का नेक्स्ट इसी का टॉपिक जो है उसको हम लोग दे लेते हैं। अब नाम कैसे आपको लिखने है, प्रैक्टिस करना है। ये हम लोगों का ट्रिक है सी एच थ्री लिखा जाए या फिर इसको सी ऐसे कर दे, तो मानना है कि दोनों सेम है क्योंकि यार हाइड्रोजन लिखते लिखते थक जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
तो इसीलिए हम यहाँ एच को ऑप्शन नहीं लिखा करेंगे लोग, सी एच थ्री हो या फिर सी हो, आपको मानना है कि दोनों सेम है। तो इसका हम लोग नेमिंग क्या करेंगे लोग, तो देखिए आपको यहाँ ध्यान में आ रहा होगा कि एक सी एच थ्री यानी कि सी एच थ्री एक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे लोग मेथ, और यहाँ से एक हाइड्रोजन घटाया गया तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग वाई एल, और यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड है नहीं तो यहाँ क्या जाएगा मिथाइल। इस तरह से ऐसे लिखा गया हो कहीं भी सी एच थ्री सी एच टू ऐसे हो या फिर ऐसे हो, या फिर और क्या कर सकते हैं ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। तो आपसे मुझे बताइए चारों में से कोई भी डिफरेंस है कि सेम है, तो देख सकते हैं आप चारों के चारों बिल्कुल सेम है, कोई अलग नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इसका नेमिंग क्या करेंगे जी, अरे दो कार्बन है तो दो के लिए हम लोग क्या लेंगे लो एथ, सिंगल वन है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं लो ए एन ए, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है तो हम जानते हैं कि यहाँ से ए एन ई को हटा देंगे लो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा जाएगा वाई, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा इथाइल ग्रुप। आइए हम लोग ऐसे थ्री कार्बन का देख लेते हैं लोग, ये इसमें यहाँ से हटा दिया, अब हाइड्रोजन को यहाँ लिखे नहीं है, हाइड्रोजन को आप खुद भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से हटा लें। आप कहेंगे सर ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, इसको कैसे पता नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया गया तो नंबरिंग यहाँ से कर लिए, कितना नंबर हो गया वन से, इसमें यहाँ से हटाया गया तो वन, जहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है नंबरिंग वहीं से किया जाता है, तो यहाँ भी वन ही पा रहा है यहाँ भी वन, यानी कि बिल्कुल दोनों सेम है। तो इसका नेम क्या लिखेगा जी, ये थ्री कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे लो प्रोप, और इसमें सिंगल वन है तो इसके लिए क्या लगेगा ए एन ए, लेकिन एक हाइड्रोजन के यहाँ से रिप्लेस किया गया तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे लो वाई एल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी प्रोपाइल ग्रुप। अब यहाँ एक और हम लोग देख लेते हैं लो, कहिएगा कि सर आप यहाँ से हटा लिए यहाँ से हटा लिए, बीच वाला से क्यों नहीं हटा है, तो अब उसको हटा के हम लोग देख लेते हैं लोग बीच वाला से हटाएंगे तो क्या बनेगा। मान ली इसको हमने हटा दिया, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सी, इससे एक कार्बन जुड़ा था तो सी के सी एच थ्री लिख दिए, फिर इससे यह कार्बन जुड़ा है तो इसको हमने ऐसे लिख दिए, और कार्बन की वैलेंसी कितना होता है फोर, यानी वन टू थ्री है तो बच्चा कितना एक, यानी कि यहाँ क्या होगा एच होगा, तो यहाँ एच लिख देते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं इसका वैलेंसी जो फ्री था यहाँ फ्री कर दिए। तो आपको समझ में आ रहा है कि यह ग्रुप या फिर यह ग्रुप दोनों क्या है बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हमसे मुझे इसका नाम क्या होगा, देखिए इसका भी नाम लिखेगा तो एक दो तीन कार्बन है तो तीन के लिए हम लोग क्या लेंगे लो प्रोप, सिंगल बनाते इसके लिए क्या लिखेगा सिंगल बनाते ये नहीं, लेकिन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे लो ओआईए, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा जी प्रोपाइल ग्रुप। अब यहाँ आपके माइंड में अच्छा खासा कन्फ्यूजन आ रहा होगा, ये सर ये देखिए साइड से हटा है तो प्रोपाइल, बीच से हटा है तो प्रोपाइल, तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्रोपाइल का बात कर रहे हैं, साइड वाला या बीच वाला, मीन्स दोनों कंपाउंड अलग अलग है, नाम आप कैसे सही लिख दिए, और ये दो वे स्टूडेंट अलग अलग आ जाए उसका नाम सेम हो जाए तो हमको कैसे पता चलेगा किसको खड़ा कराना है। तो हम लोग स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट सेकेंड ऐसे तो नाम रखना पड़ता है कि फर्स्ट सेकेंड काला गोरा तेज कुछ भी, मतलब उसमें क्या करना है एक सिंबल लगा देना पड़ता है जिससे कि हमें आइडेंटिफाई कर सके पहचान सके कि किस स्टूडेंट के लिए बातें हो रहा है। तो यहाँ भी प्रोपाइल यहाँ भी प्रोपाइल है तो इसमें भी कुछ सिंबल लगाना होगा अलग से जिससे कि पहचाना जा सके। तो अब देखिए अब इसमें सिंबल कैसे लगाया था, यह जो कंपाउंड है यह पूरा सीधा है कहीं तो इसमें ब्रांच नहीं ना है, ये भी कंपाउंड है तो ये भी पूरा सीधा है, यानी कि इसमें बच्चा एकदम नॉर्मल आदमी है, कहीं जिसमें हम लोग कहते हैं कि यह सीधा सीधा लड़का है इसका अर्थ क्या हुआ एकदम नॉर्मल है उसमें किसी से मतलब नहीं है। तो उस तरह से यदि कोई कंपाउंड होता है तो उसको रियल में यहाँ भी नॉर्मल ही बोला जाता है, और उसको डिनोट कैसे करेंगे लो एन से। तो नॉर्मल ग्रुप क्या होगा जी एन, इसको कब कहेगा कि वह नॉर्मल है, तो स्टेट चेंज होगा तो उसको क्या कहेंगे लो स्टेट चेंज होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे लो नॉर्मल ग्रुप कह देंगे लो। आई होप यहां तक क्लियर होगा। उसी तरह से इसमें आप क्या चेंज कीजिएगा, इसमें भी तो आप कुछ चेंज करना होगा, तो इसमें क्या चेंज करेंगे जी, तो इसमें चेंज करेंगे इसका आपको एक स्पेशल बता देते हैं, और यह ऐसा ग्रुप है कि पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे अधिक यही रिपीट होता है। तो
तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको हम लोग आइसो ग्रुप कहते हैं लोग, अरे इस आइसो ग्रुप को बनाने में कितना कार्बन लगा है, 3 कार्बन लगा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे लोग, आइसो प्रोपाइल। अब कहेंगे सर आपकी मर्जी जो चाहे वो कर दीजिएगा, कुछ तो रूल होना चाहिए ना, अरे इसके रियल में रूल होता है। जब कहेंगे सर आइसो ग्रुप हम लोग किसको कहेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं आइसो ग्रुप के लिए कंडीशन हम क्या रहे हैं, 2 साइड मिथाइल, प्लस 1 साइड एच प्लस, 1 साइड फ्री वैलेंसी या फिर 1 और मोन कार्बन। आई होप यहाँ इस अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सर अभी अच्छे से समझाइए, अभी तो अपने देहाती लैंग्वेज में समझिए, हम लोग बुक तो पढ़ने की आदत ही है नहीं, क्योंकि अपन तो बुक पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं रखता है। तो देखिए आइए हम लोग अपने देहाती भाषा में समझते हैं, दिए आइसो ग्रुप किसको कहेंगे, ध्यान से आपको समझना है। यह कार्बन हो गया, इसको हमें आइसो ग्रुप कहना है, ठीक है ना। तो आइसो ग्रुप के लिए आप कह गए सर ये कैसा कार्बन उस कंपाउंड में हो जिसके दो साइड CH3 का देखिए नाम क्या लिखे हैं, मिथाइल ग्रुप, जिसके दो साइड मिथाइल फिक्स हो और एक साइड क्या होना चाहिए, एक साइड एच होना चाहिए और बाकी साइड आपकी मर्जी जो चाहे लिख दीजिए, कम से कम तो फ्री वैलेंसी होना ही चाहिए, नहीं तो एक या एक से अधिक कार्बन जोड़ सकते हैं। आई होप आपको आइसो अभी समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए सब पड़े एक हम कार्बन हो गया, हमारे इस दोनों बाहों में दोनों हाथों में क्या होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए और सर पे क्या लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन फिक्स कर दीजिए और पाँव में कुछ भी जोड़ लीजिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे लो, आइसो ग्रुप कहेंगे लो। एक कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 साइड मिथाइल फिक्स कर दीजिए, 1 साइड एच फिक्स कर दीजिए, 1 जो बच गया इधर हाइड्रोजन को लो, जो इस साइड हाइड्रोजन को नहीं जोड़ना है, या तो फ्री वैलेंसी हो या फिर एक से अधिक कार्बन हो सकता है या फिर एक भी कार्बन हो सकता है, तो उसको आइसो ग्रुप कहेंगे लो। कार्बन के अलावा अदर भी कोई एलिमेंट हो सकता है तो भी उसको हम लोग आइसो ग्रुप ही कहेंगे लो। यानी इसी के लिए 2 साइड मिथाइल होना चाहिए, 1 साइड हाइड्रोजन होना चाहिए और 1 साइड फ्री वैलेंसी होना चाहिए या फिर 1 और मोर कार्बन होना चाहिए, अदरवाइज क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन भी हो सकता है, मतलब इतना कंडीशन होना चाहिए कि, तो इतना को हम लोग क्या कहेंगे लो, आइसो ग्रुप कहेंगे लो। और इसमें जितना कार्बन जुड़ा होगा उसको हम लोग उस ग्रुप के नाम से ऐड कर देंगे लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, आइसो प्रोपाइल। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए लो। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं लो, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लिए नोट कीजिए फटाफट। मिटा दें, अब 3 कार्बन का हो गया तो 4 कार्बन का चेक कर लेते हैं लोग। आइए हम लोग 4 कार्बन का देखते हैं लोग, इसमें यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लीजिए या फिर और कहां से रिप्लेस कर लीजिए, यहां से, तो दोनों क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, तो हम लोग यहाँ से होकर रिप्लेस कर देते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसका हमसे नेमिंग पूछा जाएगा, तो आइए सबसे पहले जितना बन सकता है उतना बना देते हैं, फिर हम लोग नेमिंग किया जाएगा। तो एक तो इसका यह बन सकता है, और नहीं यहाँ से डालिए यहाँ से डालिए, तो दोनों एक और एक पे सेम आ गया, तो बच कौन गया, बीच वाला, तो बीच वाला से हटा के चेक कर लेते हैं, यहाँ से डाल लीजिए या फिर यहाँ से, देखिए ये भी दोनों क्या होगा, यहाँ से और चेक करना होगा, तो 1-2 पे आ रहा है, जबकि यहाँ से भी 1-2 पे आ रहा है, मीन्स दोनों साइड में किसी साइड से करेंगे कहीं से करेंगे दोनों सेम ही आ रहा है, तो एक हमारा यह ग्रुप हो जाएगा। अब ये जो चारों सीधा था तो दो ही बना, तो आप कहेंगे सर और तो 4 कार्बन से बनेगा नहीं, और बनेगा तो शायद बना के दिखा दीजिए। तो आइए हम लोग अभी चारों सीधा ले गए, तो लोग क्या करेंगे लोग, 3 को सीधा कर देंगे लोग और 1 को ब्रांच कर देंगे लोग।
अब एक बार यहां से हटाइए, फिर यहां से हटाइए या फिर यहां से हटाइए, तीनों का होगा बिल्कुल सेम ही होगा। इसीलिए हम तीनों में से एक ही जगह से हटाए, एक और ग्रुप बन सकता है, वो कहां से बनेगा जी? तो ऐसे हम लोग कर दिया लोग, और उसको यहां से यहां से यहां से हटाया तो सेम था, तो बच कर गया था यह, और चार कार्बन में कोई पॉसिबल नहीं होगा। देखिए ऐसे ही हम लोग याद कैसे करेंगे, तो इसके लिए याद आप फॉर्मूला एक होता है टू के पावर एन माइनस टू, इस फॉर्मूला से आप नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए चार कार्बन था, हम इसमें बता देते हैं टू के पावर फोर कार्बन था, तो कितना लिख देंगे लोग, फोर और टू माइनस कर दिए तो बताइए दे कितना जाएगा, टू के पावर टू और टू के पावर टू इक्वल टू फोर। तो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप कितना पॉसिबल होगा। तो यहाँ देखिए हमारे वन टू थ्री और वन फोर, चार को पॉसिबल था, यहाँ फॉर्मूला से भी कितना है नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप फोर है, तो इससे आप लोग इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है कि सर सबका नाम क्या लिखेगा, तो आपको दो चीज़ें अभी तक सिखा चुके हैं कि आइसो ग्रुप हम लोग किसे कहेंगे जिसमें दो साइड मिथाइल एक साइड एच एक साइड कुछ भी जोड़ दिए थे, तो आइसो कहेंगे लोग। नॉर्मल कब कहेंगे, जब वह लड़का सीधा साधा होगा, कहीं उसमें ब्रांच टेढ़ा मेढ़ा लाइनें नहीं होगी। तो आइसो और नॉर्मल अभी हम लोग दो सीख लें, दो चेक कर लेंगे, इसके अलावा कुछ होगा तो सोचना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यह ग्रुप क्या हो गया, कितना कार्बन है, फोर कार्बन है, तो फोर के लिए ब्यूट और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, तो उसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा, वाई एल। आई होप यहाँ तक क्लियर है। वो तो इसका आपको नेमिंग करना है, इसमें कहाँ से हटाया गया है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाया गया है, तभी तो कभी नॉर्मल होगा नहीं, क्योंकि इसके इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन, यानी कि ब्रांच यहाँ से आगे बट गया है, तो जब भी बट जाएगा तो लड़का नॉर्मल नहीं कहलाएगा। इसमें तो दोनों सेम ही, यानी कि यह नॉर्मल नहीं होगा। आइसो चेक कर लेते हैं लोग, तो यह कार्बन की एक साइड तो इधर सी एच थ्री है, एक साइड एच भी है, लेकिन एक साइड क्या है सी एच सी के इथाइल लिखे थे जी, तो हमको दोनों साइड मिथाइल दिया था, लेकिन इसमें मिल गया इथाइल, यानी कि आइसो ग्रुप नहीं होगा, तो इसको हम लोग नॉर्मल भी नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आइसो भी नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे लोग, तो आपको टेंशन होगा। तो आइसो और नॉर्मल ग्रुप ये तो नहीं होता है, तो इस कार्बन का डिग्री निकाल दीजिएगा, डिग्री निकालना नहीं आता है, तो प्रीवियस लेक्चर में बना के डाला हुआ है, बहुत अच्छा सा कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन मिल रहा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। और ये डिग्री निकालने का आपको क्या बताया था कि इस कार्बन का हमें डिग्री निकालना है जहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, तो इस कार्बन का डिग्री निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ देख लेना है कि यह कार्बन कितने साइड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह जो कार्बन है एक साइड कार्बन और एक एक साइड कार्बन, कितना साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, दो साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे लोग, सेकेंडरी कहते हैं लोग दो साइड के लिए, और इसको शॉर्टकट में सेक लिखेंगे लोग। और चार कार्बन आया तो चार के लिए ब्यूट कर देंगे लोग, और एक हाइड्रोजन के लिए वाई एल कर देंगे, तो इसका नेम क्या हो जाएगा जी, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और हम लोग इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम आइसो होगा कि नहीं होगा, हाइड्रोजन तो यहाँ से हटाया गया है, तो सबसे पहले पूछा है कि नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है क्योंकि यहाँ ब्रांच है, आइसो है कि नहीं है, तो मान लेते हैं सपोरेट यह अभी हमारे पास नहीं है, दे दे एक कार्बन, इसकी एक साइड कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन तो है, एक साइड सी एच थ्री तो है, फिर यहाँ भी क्या है सी एच थ्री है, तो सी एच थ्री एच, यानी कि इसमें दो वो मिल गया, फिर यहाँ क्या हो गया एक कार्बन तो होगा ना, नहीं सी हो गया, इसके एक साइड एच हो गया, यहाँ सी एच थ्री हो गया, यहाँ सी एच थ्री हो गया, तो दो साइड मिथाइल तो मिल गया, एक साइड एच भी मिल गया, तो इतना ही को तो हम लोग आइसो ग्रुप बोलते हैं लो। और यहाँ तो आपको बोले थे कि आपकी मर्जी है जो चाहे वो लिख दे, तो अब यहाँ है या नहीं इससे हमको मतलब तो है नहीं, इतना को हम लोग क्या कहेंगे लो, आइसो ग्रुप कहेंगे लो। तो आइसो ग्रुप के लिए यहाँ वर्ड क्या लगा देंगे लो, आईएसओ। और आपको करना क्या है कि सर इसमें चार कार्बन है, चार कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लो, ब्यूट और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूट है। तो आपको सपोर्ट बता दें कि सबसे पहले नॉर्मल और आइसो ग्रुप चेक कर लेना, ना मिले तो उसका डिग्री निकाल देना है, और आइसो नॉर्मल चेक करने के लिए तो आपको रूल बता ही दिया है कि नॉर्मल जब सीधा होगा, आइसो जब दो साइड मिथाइल हो एक साइड एच हो, बाकी साइड कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, तो आइसो लिख देंगे लोग, जितना कार्बन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ नेमिंग कर देंगे। अब इसका है इसका देखिए, तो आइसो होगा, देखिए सर, हाँ सर, देखिए सी एच थ्री दो साइड मिथाइल एक साइड और मिथाइल है, सर आपने तो बोला कि एक साइड कुछ भी उससे मतलब नहीं है, दो साइड मिथाइल तो है, तो आइसो ग्रुप बोल देंगे लोग। अभी रुकिए, इन्होंने बोला है दो साइड मिथाइल के साथ एक साइड एच भी होना चाहिए, तो आइसो कहेंगे लोग, यहाँ दो साइड मिथाइल है ये तो हमें ठीक है चलेगा, लेकिन भाई हाइड्रोजन कहाँ है,
हाइड्रोजन जो था उसी को तो गायब कर दिए हैं, था गायब, तो हमें हाइड्रोजन रहता तो आइसोग्रुप बोलते लो, नॉर्मल का तो सवाल ही नहीं बनता है क्योंकि सीधा ही नहीं है, तो आइसो भी नहीं है नॉर्मल भी नहीं है, तो इसको हम लोग आगे कहेंगे लो। तो सर आपने अभी तो बताया था कि दोनों फेल कर दिया था, इसका डिग्री निकाल देंगे लो, तो कितना डिग्री है, देखिए 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको 3 डिग्री कहेंगे लो, और 3 डिग्री के लिए हम लोग क्या कहते हैं लो, टर्शियरी बोलते हैं लो, और शॉर्ट कट में इसको क्या लिखेंगे लो, टर्ट, और 4 कार्बन है तो उसको लिए ब्यूट, और 1 हाइड्रोजन के लिए वही यहाँ गैप दे देना है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ये टर्शियरी ब्यूटाइल। फटाफट नोट कर लीजिए लो, 1 और 5 कार्बन वाला भी आपको बताया था, उसके बाद कुछ एल्किनाइल ग्रुप के लिए बताया था, नोट कीजिए लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लिए गलो, नहीं नोट कर पा रहे हम लोग तो। आई होप यहाँ तक क्लियर है, अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए लो, कहेंगे लड़का सबको बताइए जो आप लोग 2-2 MB खर्च नहीं कर पाए लो पढ़ने के लिए, टिकटॉक के लिए 1,000 MB खर्च करते रह लो, ये सब तो मजेदार कहानी है, और आप बताइए आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत किया जा रहा है, आप लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर कौन करेगा, तो ये तो आपका फर्ज ही बनता है शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, टिकटॉक के लिए आप लोगों के पास एक देखते हैं एक फिर आपको व्हाट्सएप पे दिया जाता है कि फ्री रिचार्ज के लिए 12 नंबर 14 नंबर आते आदमी के पास शेयर कीजिए, आपके पास फ्री रिचार्ज जाएगा, वह रियल में नहीं होता है, फेक सब होता है, लेकिन फिर भी आप अच्छे से दम जल्दी जल्दी शेयर करते हैं कि शायद कहीं रिचार्ज है, हम लोग इतना आपके साथ मेहनत करते हैं लोग, फिर भी आपके कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आराम से देखते हैं उसको बंद करके रहते हैं, यार शेयर सब्सक्राइब तो कम से कम बनता ही है, और लाइक जो नहीं करते वो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा लो। आइए हम लोग देखते हैं लो आप 5 कार्बन के लिए, ठीक है नहीं, 5 में कहाँ कहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं, इसका जुड़वा भाई कैसा बनाइएगा, तो जुड़वा भाई ने इस साइड से हटाया तो इस साइड से हटा सकते हैं, नहीं कि यह बन जाएगा, तो यह हमारा 1 हो गया, और क्या हो सकता है, ये तो बीच वाला हो गया, यहाँ से हटाइए, यहां से हटाइए या फिर यहां से हटाइए, यह तीनों क्या होगा जी, सेम होगा, लेकिन यहां से टेंशन नहीं ले, तीनों सेम है कि नहीं है चेक कर लेते हैं, ये 1 और 2, यहां से कितना नंबर पर आया है, 2 नंबर पे, यहां से करते हैं 1 और 2 3, ये सर आप सेम कैसे लिख दिया, 2 पे है या 3 पे, आइए इधर से ट्राई करते हैं 1 2, सर यह सेम नहीं है क्योंकि हम लोग क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसको कर रहे हैं तो 2 नंबर पर आ रहा है, जबकि इधर किसी साइड से कर रहे हैं तो वह 3 नंबर पर, यानी कि उससे सेम नहीं हो, सही में वह सेम नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए 1 2, यानी ये 1 2, यहाँ भी 1 और 2, यह और यह दोनों सेम है लेकिन बीच वाला सेम नहीं है, लेकिन हम आपको ऐसे बताएं इसका दोनों का नाम कॉमन नेम जो होता है दोनों का सेम होगा, इसीलिए सेम में रखा हुआ है, तो बता रहे अभी कुछ और नया 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 जुब्बा से कहानी भी सीखेंगे लोग, आधे 5ों को सीधा करके तो देख लिए लो, तो आप क्या करेंगे, 1 को ब्रांच कर देंगे, यहाँ से हटा दिए लो, आप जानते हैं कि यहाँ से हटा दिए तो अब यहाँ से हटाएंगे लो, तो इसको थोड़ा सा 3D में लिख देते लेकिन बोर्ड्स वैसे नहीं बना पाएंगे, एक बार यहाँ से हटा दिए और एक बार यहाँ से हटा दिए और एक हम लोग हटा सकते हैं लो। वह यहाँ से या फिर कहाँ से हटा सकते हैं जी, इससे या इससे, दोनों से हटाएंगे तो सेम बनेगा, 1 और इसका बनेगा लेकिन वो मिटाने के बाद ही बना सकते हैं, तो देखिए हम लोग इतना सारा कर सकते हैं लो, अब इसके पता कीजिए सर और कितना बना सकते हैं, तो फॉर्मूला तो आपके सामने लिखे थे 2n-2, तो 2 के पावर 5-2 करेंगे तो 5-2 कितना होगा 3, और 2 के पावर 3 = 8, तो इसका 8 बनेगा, अभी देखिएगा तो 7 बना चुका है, 1 और बाकी है तो उसको बनाएंगे लास्ट में, अब देखिए इसका हमें नाम लिखना है, तो सिंपल से दिखाया आपको दे रहा है कि एकदम सीधा सदा है, तो सीधा सदा लड़का का तो नाम क्या होता है नॉर्मल, तो इसका भी हम लोग नेमिंग क्या कर देंगे लो जी, नॉर्मल ग्रुप कर देंगे लो, और 5 कार्बन है तो पेंट, और 1 हाइड्रोजन का हटाए हैं तो नॉर्मल पेंट है,
ये सबको अपना अपना पढ़ाने का स्टाइल है। कुछ लोगों को कहते हैं कि नॉर्मल पेंटेंस जो बनते हैं उसको नॉर्मल पेंटेंस। यार यार एक को याद करने के लिए दूसरा को याद करने की क्या हो सकता है? आप उनके स्टाइल में पढ़िए, कभी दूसरा से याद करने की टेंशन नहीं होगा। हट के पूरा थोड़ा जरा हट के यहाँ पर उनका स्टाइल मिलता है पूरा। कहीं भी आप पढ़ते होंगे आपको पता चल गया होगा। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो चेक कीजिए तो नॉर्मल तो है नहीं, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया है क्योंकि बीच से हार्डन कटा गया है। आइसो ग्रुप को चेक कर लेते हैं लोग। तो आइसो ग्रुप के लिए कंडीशन तो आपको याद है कि दो साइड मिथाइल, एक साइड एस और एक साइड कुछ भी हो जाए। तो आइए चेक करते हैं। इसके इस साइड तो मिथाइल है, इस साइड एक एच भी है, लेकिन यहाँ यार मिथाइल थोड़ी है, यह तो प्रोपाइल ग्रुप है, आपको पहले ही बताया है। तो कहेंगे तब तो सर यह आइसो ग्रुप नहीं होगा। यहाँ चेक करते हैं कि सर इधर क्या है, इथाइल है, इधर भी क्या है, इथाइल है। जब दोनों से इथाइल आ गया नहीं कि तो आइसो का कोई चांस नहीं बनता है। और यहाँ नहीं है, एक साइड मिथाइल है, एक साइड प्रोपाइल है, तो यह आइसो नहीं है क्योंकि दो साइड हमें मिथाइल चाहिए। तो आइसो और जब नियो नहीं होता है, आइसो और नॉर्मल नहीं होगा, तो आपको क्या पता है कि उसका डिग्री निकालेंगे लोग। तो आइए इसका हम लोग डिग्री निकालते हैं। एक कार्बन कितना दी, एक साइड और दो साइड, दो साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको कितना डिग्री कहेंगे लोग, टू डिग्री का लिखते हैं क्या लोग, सेकेंडरी। और पांच कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेन और एक हार्डन के लिए वाई एल। तो इसका नाम लिखिएगा तो इसका क्या होगा, सिंपल सा है कि नहीं, इसमें भी कितना डिग्री कार्बन है, टू डिग्री है क्योंकि एक एक दो साइड से जुड़ा हुआ है, तो ये भी टू डिग्री के लिए इसको भी क्या कहेंगे लोग, सेकेंडरी। और पांच कार्बन है तो पेन टाइप, तो यहाँ भी तो इसका और उसका सेमी है, तो भी सेकेंडरी पेन टाइप। यानी कि आपको अब ध्यान से देखें तो यह नाम और यह नाम दोनों सेम है कि डिफरेंट है, तो आपको समझ में आ गया कि दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। नाम तो 100% सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग है। तो आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी पेंटाइल का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप कौन स्ट्रक्चर बना के दिखाइएगा, यह भी दिखा सकते हैं, यह भी दिखा सकते हैं। तो हापुन को कैसे पता चलेगा कि हमने आपसे पूछा कौन है, क्योंकि जब रिएक्शन पढ़ेंगे लोग तो दोनों से रिएक्शन का प्रोडक्ट जो आएगा डिफरेंट आएगा, क्योंकि इनसे 2 पे आएगा 3 पे आएगा जबकि उससे 2 पे आएगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन तो अच्छा कैसा हो जाएगा, आपसे पहले ही बताया जब दो लड़का का नाम सेम होता है तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी लगाते हैं, लोग एक अलग से उसके नाम में प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ हम लोग ऐसे करेंगे तो ऐसे सही तो होगा नहीं, तो इसीलिए आपको वार्ड रखना है कि जैसे पांच कार्बन में सेकेंडरी पेन वार्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंडरी कहाँ तक चलता है, 4 तक ही चलता है, 4 के आगे बढ़ी जाएगा सेकेंडरी नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं लोग ये सब पढ़ा देते हैं लोग, आई होप उन लोगों का पता नहीं कैसे समझते हैं लोग पढ़ाना क्या है। आप उनके पास स्टाइल लिखेंगे वो है कि अच्छे से और सही चीज़ें पढ़ाना है, गलत चीज़ें नहीं पढ़ाना है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है, किसी को डाउट्स भी नहीं है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इसमें आपसे पूछेगा आइसो ग्रुप है कि नहीं है जी, देखिए तो जी एक कार्बन यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है और यहाँ H है, तो इतना ग्रुप है तो हम इसको क्या कहेंगे लो, आइसो ग्रुप कहेंगे लो। और इसमें कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो इसको निकाल लेंगे लो पेंट। और एक हार्डन रिप्लेस किया गया है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कि इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंट है। इसका नाम क्या कीजिएगा जी, तो इतना तो है जी, इसका नाम तो आइसो तो होगा क्योंकि अभी यहाँ बताया हुआ है, तो इसको आइसो लिख देते हैं। अब जी यहाँ सीधा था तब ना इसमें हम आइसो पेंट लिख देते, यहाँ तो हार्डन कहाँ से हटाया गया है, जो हार्डन होता है 2 डिग्री कार्बन से हटाया गया है, तो इसके लिए एक और हमें वर्ड लिखना होगा सेकेंडरी, क्योंकि हार्डन कहाँ से हटा रहा है, 2 डिग्री कार्बन से, तो सेकेंडरी होगा। यहाँ तो 1 डिग्री से था इसीलिए वहाँ नहीं लिखा जाता है। और उसके बाद 5 कार्बन है तो क्या लिखते होंगे लोग, पेंटाइल, जिसका नेमिंग क्या हो जाएगा, सेकेंडरी आइसो पेंटाइल। लेकिन यहाँ ध्यान से थोड़ा समझना है, इसका सेकेंडरी आइसो पेंटाइल से पहले एक ऑड वर्ड जीरो रहता है उसको क्या कहते हैं लोग, इसका स्पेशल कॉमन नेम है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद कर लीजिएगा, डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यह पूछा जाता है, एक्टिव सेकेंडरी आइसो पेंटाइल। इसमें तो दिमाग नहीं लग रहा है सर एक्टिव क्यों जो रहे, क्योंकि दो दो को चीज़ें एक साथ आ रहा है। इसका नेमिंग क्या होगा, तो इसका देखिए आइसो तो है नहीं क्योंकि यहाँ से हार्डियन रहता है तो आइसो लिखते हैं लोग, क्योंकि मिथाइल और मिथाइल तो है लेकिन यहाँ हार्डियन आता है तो आइसो होता है, इस हार्डियन को हटा दिए गए तो आइसो ग्रुप नहीं है। इसका हम लोग नेम क्या लिखेंगे लोग, 3 डिग्री कार्बन है यह, जहाँ से हार्डियन को हटाया गया है। आपको तो बताएं जब आइसो और नॉर्मल नहीं होगा तो हम लोग हार्डियन का डिग्री देखना है, यह कार्बन 3 डिग्री है तो 3 डिग्री के लिए क्या लिखते हैं लोग, टर्शियरी।
और पांच कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंट, और एक हाइड्रोजन के लिए वाईएल हो जाएगा। उसी तरह से इसका नाम लिखना होता था, इसमें आइसो भी नहीं है क्योंकि यहाँ मिथाइल मिथाइल होता तो आइसो लिखता, यहाँ तो मिथाइल नहीं है। हाँ, इसका टर्शियरी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 डिग्री से कार्बन आ रहा है। सेकेंडरी भी नहीं होगा क्योंकि 2 डिग्री से भी नहीं हटाएगा, और नॉर्मल भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ बीच में ब्रांच है। तो इसका नेम क्या होगा जी, इसका नेम एक स्पेशल आपको याद कर लेना है, एक्टिव एमाइल। तो यह जो दोनों एक्टिव वाला है, यहां भी पेंटाइल के स्थान पर एमाइल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि पेंटाइल को एमाइल बुलाता है और एक्टिव के साथ मेनली एमाइल को ही कहता है। तो यह दोनों नाम है अच्छे से याद रखना है क्योंकि यह दोनों बहुत बार पूछा चुका है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, जहां भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए क्योंकि आपका लाइक ही हम लोगों का मेन एनर्जी होता है। मिटा देते हैं, ड्रॉप आउट नोट कर लीजिए, लो स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, लो आइए। और कुछ ही बचा हुआ है, कॉमन नेम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ये कॉमन नेम है और हम लोग क्या बच गया, एक पेंटेन वाला जो पांच वो था उसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक यह आ गया, तो अब इसमें आपको यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा आइसो नॉर्मल है कि नहीं है जी। देखिए ऊपर ही ब्रांच है नीचे ही ब्रांच है, जब दोनों ऊपर नीचे ब्रांच हो गया तो नॉर्मल नहीं होगा। आइसो ग्रुप होगा, आइसो ग्रुप भी नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ हम लोग यहाँ से हटा के ये चीज लिखते तो आइसो होता है, क्योंकि एक साइड मिथाइल और दूसरा साइड मिथाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ भी क्या है मिथाइल ग्रुप ही है। तो तीनों साइड मिथाइल के लिए आइसो ग्रुप लिखने का कोई चांस नहीं बनता है। और देखिए यहाँ कितना डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री होता है तो सेकेंडरी लिखते लो, 3 डिग्री होता है तो टर्शियरी लिखते लो, 4 डिग्री का तो कोई बनता ही नहीं है क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन ही नहीं होता, और 1 डिग्री होता है तो उसके लिए प्राइमरी लिखते ही नहीं है। लेकिन यह कार्बन है कितना, 1 डिग्री है क्योंकि एक ही साइड कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसमें सेकेंडरी टर्शियरी ना आएगा ना प्राइमरी हम लोग लिखते नहीं है। तो कहेगा सर इसका नाम क्या लिखेगा, आइसो नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, टर्शियरी नहीं होगा, चार वो चीज़ अभी तक हमने सीखे थे लोग। तो फिर इसमें लिखेंगे क्या, तो एक नया चीज़ आ जाएगा सिंपल से, जब लोगों को पहले वाला सब पोथा पत्री फेल हो जाए तो नया चीज़ ही आता है। एग्जाम में जाते हैं लोग जो रूल है फेल कर जाते हैं, यानी कि जो पढ़ जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, तो क्या कहते हैं लोग आउट ऑफ सिलेबस, यानी कि वैसा हम लोग क्वेश्चन आ गया जो अभी तक नहीं पढ़ा था, यानी सीखे नहीं थे लोग। तो इस तरह से हम लोग का सिलेबस को ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अभी तक नहीं सीखे हम लोग, अभी सीखेंगे लोग। तो इसका क्या होगा जी, देखिए ऐसा कोई ग्रुप आएगा तो इसको हम लोग नियो ग्रुप कहते हैं लोग। इसमें 5 कार्बन है तो इसको हम लगा लिखेंगे लोग नियो, और 5 कार्बन के लिए पेन और एक हाइड्रोजन होता है उसके लिए वाई। अब यहाँ आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा है सर नियो ग्रुप कहेंगे किसको, नियो तो बहुत डेंजर चीज आ गया, कि नियो हम लोग पता कैसे चलेगा कि इसमें नियो है कि नहीं है। जैसे आइसो का याद किए थे लो, आइसो में लगा लेंगे तो आइसो में आप कहने लिखे थे जी 2 साइड मिथाइल प्लस 1 साइड H प्लस 1 साइड का था 3 वैलेंसी या फिर 1 और मोर कार्बन यही लिखे थे। तो उसी तरह से आइसो के यहाँ जैसे ही मिटा के हम लोग क्या कर देंगे नियो कर देंगे, सेम इसी तरह से इसको भी हम लोग लिख लेंगे लोग। तो नियो के लिए क्या करना है, यहाँ 2 को 3 कर देना है क्योंकि आपको यहाँ समझ में नहीं, 1 साइड मिथाइल 2 साइड मिथाइल 3 साइड मिथाइल तो नियम में क्या जाएगा, जो 2 साइड मिथाइल था उसको 3 साइड मिथाइल कर देंगे, और यहाँ 1 साइड H था तो यहाँ बेचारा H का कोई चांस नहीं बनता है, और यहाँ 1 साइड 3 वैलेंसी को हटा देना है और लिख देना है कि 1 साइड एटलीस्ट 1 कार्बन। और क्या हो सकता है, मोर कार्बन। आपको बता दें कि आइसो और नियो में डिफरेंस क्या है, इसमें 2 साइड मिथाइल था, इसमें 3 साइड मिथाइल था, कार्बन की वैलेंसी 4 होता है,
तीन सेट मिथाइल हो गया, तो एक सेट क्या होगा? एटलीस्ट मीन्स क्या होता है? कम से कम, कम से कम एक साइड मिथाइल होना चाहिए, मतलब कार्बन होना चाहिए, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। नहीं तो आप अधिक भी लिख सकते हैं, अधिक के लिए कोई बंडेशन नहीं है, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। अभी यह हमारा क्या हो गया था, एक कार्बन हो गया, जिसके एक साइड कार्बन, एक साइड कार्बन, एक साइड, तीन साइड मिथाइल ग्रुप हो गया। एक साइड कम से कम एक कार्बन हो, अधिक से अधिक 2, 10, 1000, 20000 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो उतना का हम लोग क्या कहेंगे, लो आइसो ग्रुप का, नियो ग्रुप कहेंगे, जिसमें ऐसे संबंधी है, कम से कम एक कार्बन हो, अधिक से अधिक आप कितना भी ले दीजिए, तो यही आपका क्या कहलाएगा, नियो ग्रुप कहलाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लिया गया फटाफट, और ज्यादा नहीं, 3 से 4 ग्रुप बताएंगे कॉमन नेम आपको कंप्लीट हो जाएगा। मिटा दे जी, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लो नेक्स्ट हम लोग का क्या है जी, अब डबल बॉन्ड वाला कुछ सीख लेते हैं। इसमें इसका कहेगा कि सर इसका नाम क्या होगा, तीन को हम लोग डबल बॉन्ड वाला में सीखा जाएगा ये स्पेशल में, और आपको पढ़ा चुके हैं पहले का, एक क्या हो गया स्पेशल कॉमन नेम, जिसको भी देखना होगा उसको देख लीजिए, लो जाके प्रीवियस लेक्चर में उसको बना के डाल चुके हैं, उसमें ऐसे ऐसे कॉमन नेम बताया एल्केन, एल्काइन क्या, कि आप सोचे भी नहीं होंगे, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या होगा, थ्री हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या होगा, इस वजह से एल्किन एल्काइन से सबसे बताएं कि 1, 2, 3 हटाएंगे तो क्या होगा, एक ही कार्बन से 3 हटाएंगे तो क्या होगा, दो कार्बन, दोनों कार्बन से एक एक हटाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से उस क्वेश्चन में बहुत अच्छा बताया हुआ है ट्रिक, तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। अब जी यहाँ में इसका नाम लिखना है, तो आपको सबसे पहले ही बताए थे कि अल्केन से एन को हटाते हैं, बाकी तो हम लोग का ट्रिक है ही नहीं, बाकी हम लोग क्या बोले थे कि आपको कुछ नहीं करना है, देख लेना है कि दो कार्बन है, जो इसका रियल नाम होता है पहले इसको हटा देंगे लो, जो इसका रियल नाम है उसको लिख लेंगे, दो कार्बन है तो इथिन इथ लिखेंगे लो, डबल बनाते इसमें क्या लिखेंगे लो, ई एन, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन का हटा रहे हैं तो यहाँ जोड़ना क्या है, वाई एन, आपको रूल लिखे थे शुरू में ही कि लास्ट में भॉयल हो, पहले भॉयल प्लस वाई कुछ भी हो, तो पहले वाले क्या कर देंगे लो, हटा देंगे लो, इसका मीन्स नाम क्या हो जाएगा, इथ डबल बन के लिए एन, और एक हाइड्रोजन के लिए इथिनाइल हो जाएगा। और इसका जो कॉमन नेम, का भी कॉमन नेम होता है यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, विनाइल, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे इसका क्या होता है, इसका नंबरिंग हम लोग यहाँ से करते हैं 1, 2, 3, तो 3 कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे लो, प्रोप, सिंगल बनता है नहीं, इसमें भी क्या है डबल बन है, तो डबल बन के लिए क्या लिखेंगे लो, ई एन ए, और एक हाइड्रोजन हटा है तो उसके लिए आएगा क्या, वाई एल, लेकिन फिर वाई एल आएगा तो यहाँ से ई हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, वाई एल। आपको कहेगा सर यहाँ बीच में गैप किस लिए है, नहीं इसमें पता कैसे चलेगा कि डबल बन यहाँ है कि यहाँ है, ये तो पता करना होगा, नहीं तो हम लोग कन्फ्यूजन होगा कि डबल बन यहाँ होगा तो उसका नाम क्या होगा, यहाँ होगा, तो इसीलिए इसका पोजिशन यहाँ लिखना जरूरी है। डबल बन कितना नंबर से आ रहा है, एक पे नहीं था, दो पे आए तो यहाँ ठोकर मिल गया तो यहाँ 2 लिख देंगे। और इसमें ये आपको कन्फ्यूजन होता है कि सर 2 लिखे कि 3 लिखे, इसको यदि डाउट होगा, मतलब रोड में कहीं जाते हैं लोग तो इस साइड से जा रहे हैं, इधर से ठोकर पड़ गया, तो उसको हम लोग नोटिस करते हैं कि पीछे वाला नोटिस करते हैं, सिंपल से जो पहले मिलेगा उसी को नोटिस करेंगे लोग, तो उसी तरह से हम लोग जो पहले जाते हुए मिलता है उसका पोजिशन लिखते हैं लोग। इसमें लिखना होता है, इसमें क्या कीजिएगा, सॉरी एक और कार्बन इसमें लिख देते हैं, ये यहाँ से नंबरिंग करेंगे लो 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा जी, ब्यूट, और एक हाइड्रोजन, फिर दो नंबर पर डबल बन है तो, और डबल बन के लिए ई एन ई, एक हाइड्रोजन के लिए वाई, इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट 2-ईनाइल। इसको दोनों का कॉमन नेम स्पेशल आता है, इसका कॉमन नेम क्या होता है जी, एलाइल, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्रोटाइल। के सर आप उनको क्या क्या बता रहे हैं, कुछ मन से आ नहीं रहा है, विनाइल एलाइल क्रोटाइल क्या होता है, तो आप उन पहले ही बता दिया था यार, इसको याद करने का ट्रिक सीखना है, क्योंकि याद करने वाला ही टॉपिक है, तो आइए हम लोग याद करने का रियल में ट्रिक सीखते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, दो कार्बन हो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो, एक को हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए, तो इसको क्या कहेगा, विनाइल ग्रुप, दो कार्बन हो
जो फिनाइल हो गया उससे किसी एक साइड कार्बन को जोड़ देना है और उसका वैलेंसी फ्री करना है, तो उसको क्या कहेंगे लोग, एलाइल ग्रुप। और फिनाइल के दोनों साइड कार्बन जोड़ देंगे और किसी एक साइड फ्री कर देंगे तो क्रोटाइल ग्रुप। बस ऐसे ही याद रहे, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड किसी साइड वैलेंसी फ्री, तो फिनाइल जो वैलेंसी फ्री था उसे एक हाइड्रोजन कार्बन को जोड़ के फिर फ्री कर देंगे तो एलाइल, और विनाइल के दोनों साइड कार्बन जोड़ के किसी एक साइड फ्री कर देंगे तो क्रोटाइल। ऐसे याद रखिएगा, मजे से याद रखिएगा। और इसका नाम क्या है जी, तो इसमें बस दो कार्बन है, ईथ ट्रिपल बन है तो वाई एन, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है तो क्या लिखेंगे लो, वाई एल। अब जानते हैं कि यहाँ वाई है यहाँ ईक है तो इसको हटा देंगे और यहाँ क्या लिखा जाएगा, एथेनाइल ग्रुप। आई होप यहाँ तक क्लियर है, कहीं डाउट्स भी नहीं होगा, डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको यहाँ दो को होमवर्क है, इसको अच्छा से लिख के दिखा रखना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर स्ट्रक्चर बना के भेजना है। स्ट्रक्चर किसका किसका, पहला होमवर्क है आइसोक्टेन का, और दूसरा आइसोप्रोपेन का। आइए एक और देख देते हैं, टर्शियरी ब्यूटेन। तीन को होमवर्क आपको बना के रखना है, कमेंट सेक्शन में इसका स्ट्रक्चर आपको डाल देना है और हम लोग इसको चेक करके लाइक कर देंगे, और फिर उसको जिसमें आप लोगों का काम ही है कि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, और इस दोनों को कमेंट सेक्शन में जरूर इसका स्ट्रक्चर बना के सेंड कर देना है, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम पे कोई भी आप इसको इसमें से व्हाट्सएप नंबर जिसको नहीं पता है लिख देते हैं 8757541420। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार वीडियो देख ही रहे हैं लो तो लाइन बाई लाइन देखिए तो मजा आएगा। आप उनका चैलेंज है कि केमिस्ट्री में टॉपर हमारे चैनल से बना देना है। ओके थैंक्स, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई पैक नुमन के लेक्चर आप।